नमस्कार, मैं राघविंद पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ, एमपी बोर्ड वालों से बात करने आया हूँ, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो। मैं आपसे बात ये करने आया हूँ कि हम कैसे अब तैयारी कर सकते हैं, और ख़ासकर इंग्लिश की और हिंदी की। क्योंकि अगर मैं 12th क्लास की बात करूँ तो क्लास 12th में ज़्यादातर स्टूडेंट वो सोचते हैं कि हम बाद में तैयारी कर लेंगे इंग्लिश और हिंदी की, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, या फिर कई लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब समय आ चुका है, टाइम आ चुका है, अब जागृति आ रही है। अब क्या करें, अब क्या करें, जो होशियार हैं वो भी बड़बड़ा रहे हैं कि कैसे बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन की जाए। जो गधे हैं वो तो हैं ही गधे, वो तो तैयारी की सोच रहे हैं कि कुछ माल मटेरियल मिल जाए, कहीं से इम्पोर्टेंट मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो ये जो वीडियो है वो ओवरऑल सब लोगों के लिए है कि हम कैसे क्या करें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खासकर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अच्छी परसेंटेज चाहिए तो हर सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि फिजिक्स में अकेले अच्छे ले आए, या मैथ में अकेले अच्छे ले आए, केमिस्ट्री में अकेले अच्छे ले आए, या इंग्लिश में अकेले अच्छे ले आए। नो, हर सब्जेक्ट में, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे आप मैथ्स के हो यानी साइंस के हो, या आर्ट्स के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, आपको तैयारी हर सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी, है ना। और ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं बचा है। जब जागो तभी सवेरा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन इसके आगे मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अगर सुबह का भूला शाम को भी वापस ना आए, रात को भी वापस ना आए, तो उसे भूला ही कहते हैं। यानी कि समझ रहे हो मेरी बात को? जल्दी जागृति आ जाए, जल्दी चेतना आ जाए, जल्दी समझदारी आ जाए तो अच्छी बात है। अब आप सोच रहे हो कि कल पेपर है, मार्च में आपका ध्यान आ रहा है, अरे कल का पेपर है, अब तैयारी करनी है। 1 मार्च को आप सोच रहे हो कि 2 मार्च से पेपर है, तैयारी करनी है, बेस्ट करना है, कोई अच्छा मिल जाए, कोई जुगाड़ मिल जाए, कोई पेपर मिल जाए, तो आप भूले ही हो। सुबह के भूले और रात में भी भूले गए, लेकिन सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, यानी कि आज अगर आप समझदारी दिखा रहे हो तो फिर आपका बेड़ा पार हो सकता है। और मैंने खुद ने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अपनी क्लासरूम में खड़ा हूँ, ऑनलाइन यहाँ से मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिन्होंने चमत्कार किया है, 2 महीने में चमत्कार किया है। और तो छोड़ो, मेरे कोर्स लेके, मैंने 30 डेज का, 40 डेज का कोर्स बनाया, उनको लेके चमत्कार किया है, 90+ नंबर लेके आए हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बस आपके अंदर जुनून आना चाहिए। आपके अंदर वो जुनून अगर पैदा हो गया तो कोई नहीं रोक सकता, है ना। लेकिन कई लोग क्या है, इस रिश्तेदारी में जा रहे हैं, वो शादी में कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है, अरे आज नहीं कल से करेंगे, आज शाम के जो हुआ सो हुआ, कल सुबह से देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, कल से करने की सोचते हैं। आज से, अभी से, इसी पल से क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या हो जाता है आप लोगों को? इसी पल से स्टार्ट करो ना, इसी पल से सोचो। और ज़्यादा वो है तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको मोटिवेशन की धार लगा दूंगा, क्योंकि मैं तो बिलीव करता हूँ, मैं खुद अच्छा करता हूँ और आपको भी अच्छा कराता हूँ, है ना। तो आज से आग लगा दो, अच्छा करना शुरू कर दो, जुनून ले आओ कि कुछ करना है, तब है कुछ। रही बात इंग्लिश की और हिंदी की, तो देखिए इंग्लिश तो मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी के अपने पास नोट्स अवेलेबल हैं, आप हिंदी के नोट्स ले सकते हो, है ना। मैं कॉम्बो बॉक्स लेके आऊंगा, कॉम्बो बॉक्स इंपॉर्टेंट का खजाना होगा। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है, आपको पढ़ना चाहिए कॉम्बो बॉक्स, राघवेंद्र सर के कॉम्बो बॉक्स, और ये इंपॉर्टेंट, और इन पे ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, अंदाजा है। लेकिन आपको पूरी पढ़ाई अगर करनी है, आज से आप शुरुआत कर सकते हो। इंग्लिश की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो। मैं 9 तारीख से, 9 जनवरी से एक बैच शुरू कर रहा हूं। कितने दिन का? 40 डेज का। इस बैच को ज्वाइन करना है, आप मेरे को 9691150103 पे कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको क्लिक करिए,
और 40 दिन में आपको डे 1 से लेकर डे 40 तक जितना भी क्लास 12th में आता है आपके दिमाग में ना बैठा दूं तो मेरी जिम्मेदारी, गजब करवा दूंगा, पूरी तैयारी में करवाऊंगा आपको, है ना। तो अगर मेरे साथ जुड़ना है मेरे साथ जुड़िए। आप चाहते हो घर पे बैठ के तैयारी करें, घर पे बैठ के तैयारी करिए, क्योंकि पढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता। पढ़ने वाले को दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आज से अंदर से एक चेतना लेके आइए, एक जुनून लेके आइए कि हमें बदलना है। और इंग्लिश की तैयारी करनी है, इस बैच में मेरे साथ जुड़िए। 40 डेज में आपको इंग्लिश आपके दिमाग में बैठा दूंगा। हिंदी के नोट्स फ्री दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो। केवल 600 फीस है, ओनली 600 में कुछ नहीं जाता है, 600 हम वैसे ही खर्च कर देते हैं। और मैं मेहनत करूंगा तो थोड़ा तो चार्ज लूंगा ही लूंगा। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, वीडियो अवेलेबल है, मेरे वीडियो भी आप देखिए, है ना। तो आप अभी से ही जुनून ला दीजिए, नाते रिश्तेदारी इन सबको छोड़ो, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, एक मार्कशीट बन जाएगी, जिंदगी भर की मार्कशीट बन रही है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो भैया बोलता हूँ तो मोटिवेशन की दाल लग जाती है और एक एक घंटे बोलता जाता हूँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब टाइम वेस्ट मत करो, लग जाओ, जाइए फटाफट जाइए और लग जाइए। मेरे साथ जुड़ना है, इंग्लिश में जुड़ना है, इंग्लिश अच्छा करनी है, फटाफट कॉल कर लीजिए, फटाफट इसी समय कॉल करिए। आप मेरे को जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूँ तैयार हो जाइए, मैं खुद आपका फ़ोन उठाऊँगा, आप मेरे से बात कर सकते हो, और तैयार हो जाइए मेरे साथ जुड़ने के लिए 40 डेज के लिए। ओके, 9 जनवरी से लेके 40 डेज तक आपके एग्जाम तक पूरी इंग्लिश खत्म करवाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।